नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में जसपुर सर्राफा लूट का अभियुक्त घायल, दूसरा फरार। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली की सुतमिल चौकी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात्रि जसपुर क्षेत्र में पुलिस व दो बदमाशों के बीच अचानक हुई मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जब उसका साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते हुए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय भेज दिया गया, जहाँ से उसे हल्द्वानी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों जसपुर में हुई सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को इसी बदमाश ने अंजाम दिया था। इससे पूर्व इस पर कई गंभीर मुकदमे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र में देर रात्रि लगभग दो पुलिसकर्मी सूतमिल क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रही थे कि इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग संदिग्ध अवस्था में आते दिखे। पुलिस के द्वारा शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की तरफ से अचानक हुई फायरिंग से पुलिस एक्शन में आ गई और बाइक सवारों का पीछा करने लगी कि बदमाश गुलरगोजी क्षेत्र के गन्ने के खेतों में घुस गए। इस दौरान पुलिस को बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दिलशाद नामक एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस घायल दिलशाद को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, हालात गंभीर देख काशीपुर स्थित राजकीय चिकित्सालय ले आई, जहां से उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही एसएसपी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा भी काशीपुर के पास के चिकित्सालय पहुंचे और घटना के बाबत जानकारी ली। अभी पुलिस कुछ भी बताने से बचती नजर आ रही है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट।